हमारे घटना की बल अथी गला के लोकर छीन लेलक हाथ में बाजू रह कपड़ा लत्ता सब चीज हमारे पति के मार दिलक के मारलक दिनेश मातो ज्ञान चौंक बेटा है उसको टेमना बेटा है उसको आया है तो घिंचने के लिए हमको पति आया छोड़ाने के लिए तो उसी को घिंच कर लेकर मारे कौन पंचायत में घर दे दो नंबर खरका मुखिया जी यार के ने बोले इतने आवे छो देखा ला अभी तो ले गए वहां से आएंगे तब ने आएंगे वहां से तब ना पूर्णिया में आ से घर में आग लगलो की सब जल लो यार घर में आग लग ले तो की सब जल ले कपड़ा लत्ता जितना रे सब भी जल ले पैसा क्या नाम हुआ राजनर माता क्या दिक्कत परेशान है वही अभी जो है चढ़ने के नहीं देता है रोड पर पता ही हमारा जमीन है कौन चढ़ने नहीं देता खाली करो जमीन नहीं तो मारेंगे हम कहे हमको भी जमीन है कौन बोलता दिनेश माथो दिनेश माथो कौन है क्या है वहाँ का वहाँ वहीं के हमको पड़ोसिया है पड़ोसिया है हाँ क्या बोलता सुनने में आपका घर में आग भी लगा हाँ कहता जल्दी हटाओ नहीं तो भागो जल्दी घर में आग लगा दी हम गए बच्चा को देखने के लिए मार रहा था हमको भी मारा बस मारा बस हम भी भाग गए घर में आग भी लगा दिया कौन लगाया है दिनेश माथो क्या क्या क्षति हुआ है आग लगाने से साड़ी और इंसान नमस्कार दर्शक न्यूज बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर नमस्कार स्वागत है आप सभी का दस्तक न्यूज बिहार में खबर फारबिसगंज से है। फारबिसगंज थाना क्षेत्र के खेरका वार्ड संख्या 2 में जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर दिया जिसमें महिला समेत 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। तीनों जख्मी को फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद पूर्णिया रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर 55 वर्षीय राजेंद्र महतो पिता स्वर्गीय बाकुरी महतो ने फारबिसगंज थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में दिनेश महतो गायत्री देवी ज्ञानचंद महतो रमेश कुमार महतो को आरोपी बनाते हुए तलवार फरसा लाठी डंडे और लोहे के रॉड से एकजुट होकर जान मरने की नीयत से हमला कर दिया। इसमें राजेंद्र महतो का सर फट गया तो वहीं हरेराम महतो का फरसा से सर फट गया। राजेंद्र महतो की पत्नी भी घायल हो गई जबकि आवेदन में पीड़ित ने बहू के साथ मारपीट करने और कपड़ा फाड़कर अर्धनग्न कर देने का आरोप लगाया। आवेदन में आरोपियों पर घर में घुसकर सोने एक मंगलसूत्र नगद 5,000 रुपये निकाल लेने और जाने के क्रम में घर में डीजल छटक कर आग के हवाले कर देने का भी आरोप लगाया है। भाभी बकरी आया मकई खाने के लिए उधर से गाड़ी भी देने लगा बहुत गंदा गंदा भाभी को तो भैया आया जोन में से एक बात पूछा क्या हुआ उधर से झगड़ा इधर से थोड़ा थोड़ा गाड़ी दिया बस उधर से सब कुछ लेके निकल गया। फरसा दिनेश महतो और ज्ञानचंद महतो रमेश कुमार वो मारा। और गत्री देवी जी। वो सब निकल गया था तेकरा बाद झगड़ा हुआ इसको पकड़ंगना में से घींच के मारा है मेरा भाई हरेराम महतो को। क्या नाम हुआ तुम्हारा? काजल कुमारी। क्या मामला हुआ इसमें? इसमें हुआ था बकरी को लड़ाई था बकरी के मतलब कि इसका बाड़ी में आया बकरी ये बोला था कि जो मतलब कि हमको बाड़ी में कैसे बकरी आया तो आपको समान है तो अपना आप सेतिएगा ना जब अपना आप सेतते हैं तो मतलब अपना आप सेतना चाहिए तो इस लोग मतलब कि लड़ाई झगड़ करने लगा इस सबको समझा दिए हम कि जो मतलब लड़ाई झगड़ मत करो बकरी का मामला है तो बकरी में मिंटन होगा हम यहाँ से निकले हम चल गए मतलब कि जितना तो समझा कर हम चल गए मतलब टिगली टोल वहाँ गए मतलब टिगली टोल मतलब तब तक मैं यहाँ पर मतलब कि आप फोरसा का मार हुआ कि तलवार का मार हुआ मतलब कि घर से खींच के बच्चा को मतलब कि मस्तक फाड़ दिया उसको गुद्दी निकल गई। कौन मार दिया? अब दिनेश मारा और कौन मारेगा जिसका मतलब बकरी था वो मारा। क्या नाम था उसका पूरा? दिनेश महतो उसको बेटा को वो मारा मतलब कि जो बच्चा को मस्तक फाड़ दिया मतलब कि वहां से ये तो हम बोलता है कि फलना आदमी मार दिया उसको तो मतलब मार दिया तो मतलब अभी उसका इलाज कहाँ चल रहा है? आप हमको बकरी है आपको बाड़ी में गया है हम ही आपको मार देंगे तो मतलब इसमें दिक्कत घर पर जैसे आए कैसे गाड़ी क्लोज करना करने लगा के दिनेश महतो जब गाली क्लोज करने लगा तो हम कहे गाली में कहता है यहाँ से घर उखाड़ के भागो नहीं तो मार देंगे हम कहिए कैसे मार दीजिएगा मारिए इतना हम जब बोलते हैं उधर से लाठी
और गड़ा अथी तलवार और रड लोहा के ये सब लेके उधर से तैयारी हो गया। तो हम अपने बच्चा के लेकर के अंगना में दे आने बच्चा के पुतोह के, इसके बाद हम यहाँ चलाए हैं जहाँ पर हैं यहाँ चलाए, तब तक उसको घर से घींच करके ले गया, घींच करके तब उधर मारना शुरू किया। तब कौन घींच के ले गया? दिनेश महतो और ज्ञानचंद महतो और उसको बेटा का नाम है टेहना, वो ले गया गत्री देवी, सब घर में घींच के जब ले गया घर से घींच के उधर मारने लगा तो धप धप बोलने लगा। तो हम यहाँ से कभी मार के देखते हैं जा करके, तब तक हमारा पे भी लाठी बरसा दिया अथी तलवार भी बरसा दिया, तो हमको कट गया था ऐसे 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 दाव ऐसे करके बाबू हो दौड़िया हो बाबू दौड़िया हो, यहाँ करते करते सड़क पर गए हैं, भाग गए घर से भी भाग गए हैं। तो इसके बाद हमें चला गया उधर, तब देखते हैं पलट के या घर में भी लगा दिया और बच्चा के मार करके गुद्दी निकाल दिया, अनबुद्ध मैंने मारा है। अभी आपका बच्चा का इलाज कहाँ चल रहा है? चल रहा है पूर्णिया हॉस्पिटल में है, और जुट नहीं रहा है अभी पैसा, 20,000 रुपया 25,000 रुपया कैसे करके माल जाल बकरी उकरी बेच करके दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र महतो। आपका बेटा क्या नाम है? हरे राम महतो। थाना में आवेदन दिए थे? जी हाँ दिए हैं। क्या नुकसान नहीं दिया थाना? चार रोज दिए अभी तक नहीं कोई सुनवा किया, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं, इंक्वायरी भी नहीं आया है। हम दोनों परानी काम करके आया, हमको बच्चा कहा मम्मी से कितना बकरी है अथी बाड़ी में गोला आ करिया, तो हम कहलिए फिर बकरी वाली पड़ी गलो हम ककर बकरी हो, कितना बात बोलिए तो उन्ने से कहले जो तोरे में बकरी हो, हमरा गाड़ी देवे खराब खराब, तो हम तो एक बाप कहे कथी होल, हम कहलिए कुछ नहीं होल, हम कहे झगड़ा होते कहे कुछ नहीं होल, बस उन्ने से अंधुन सटका बजारे लगल, एक घींच के आनलिए तो हमारे सब एने रह गलिए, बस एक घींच के निकाल के घर में चले गए। केकरा मार लगा? मारा है हरे राम महतो के राजेंद्र महतो। तो फिलहाल करो मैं इतना ही, देखते रहिए दस्तक न्यूज बिहार, चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल।